किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के धर्मगंज चौक के पास नेशनल हाईवे 27 फ्लाईओवर पर दो ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी घायल हैं, जबकि दूसरे कंटेनर का ड्राइवर गाड़ी में घंटों से फंसा हुआ है। ड्राइवर को बाहर निकालने में प्रशासन जुटा हुआ है। SDM शहनवाज अहमद नियाजी और SHO श्याम यादव मौके पर मौजूद हैं। चश्मदीदों के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इस पुल पर पिछले 3 दिनों में दूसरा हादसा है और अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई है। 2 ड्राइवर को हम लोगों ने निकाल के मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज में 2 ड्राइवर को निकाल के भेज दिया और 1 ड्राइवर जो है अभी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हम लोग उनको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का यहाँ कोई योगदान नहीं है। प्रशासन को 1 घंटा पहले फोन कर दिया गया है। प्रशासन का सब कुछ नहीं है, जो कर रहा है पब्लिक कर रहा है। मतलब ये कोई इंतजाम है? जेसीबी इंतजाम नहीं है, हाईवे पे कोई इंतजाम नहीं है। कितने देर से ये फंसे हुए हैं? करीब 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा से? जी सर। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है हाईवे पे। एक अभी 2 लाइन से 1 लाइन हो गई है, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, जिसके कारण कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन न रोड पर पुलिस दे रही है, न कुछ व्यवस्था दे रही है, कुछ नहीं है। टक्कर हो गई है, अभी तक तो कोई प्रशासनिक अधिकारी बोल के कोई नहीं पहुंचे हैं। काफी देर से एक ड्राइवर गाड़ी में फंसा हुआ है, लेकिन निकाला नहीं जा रहा है। स्थानीय लोग ही मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वही तो दुख की बात है, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं यहाँ पहुंचे। हाँ, स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकालने का। और हाईवे अथॉरिटी का हमें क्यों पता नहीं है, इसमें कहीं कुछ नहीं।